थैंक यू। अभी आप हम देखने वाले हैं एस एन रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय एस एन रिएक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो उसमें आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफाइल। चलो मुझे ये बताओ न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं? जिसको न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्शन है। ओके, जिसके पास न्यूक्लियोफाइल कौन हो सकता है? न्यूक्लियोफाइल ऐसे हो सकते हैं, या तो नेगेटिवली चार्ज आयन हो सकते हैं, या फिर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हो, सॉरी इलेक्ट्रॉन एक्सेस मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ये होते हैं लुईस, कई बार जो है वो बेस की तरह भी एक्ट करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सभी न्यूक्लियोफाइल होते हैं, है ना। अगर अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड है, आप थोड़ा सा सोचो कि अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड है तो आपके पास कौन है बताओ? सी ट्रिपल बॉन्ड सी और एक्स है कि नहीं है, है ना। अब होगा क्या वो बताओ। तो ये पार्शियली क्या चार्ज है? पार्शियली ये क्या चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। और ये पार्शियली कौन सा चार्ज है बताओ? नेगेटिव चार्ज है ना। यस सर। अब क्या होने वाला है वो मैं आपको बता दूं। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है, उसके ऊपर पार्शियल कौन सा चार्ज है बताओ? बताओ पॉजिटिव चार्ज है या ना। यस सर। अब आप थोड़ा सा सोचो तो आप क्या करेंगे हम लोगों बताओ। सी एक्स, एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल रख सकते हैं, है या ना। मींस सर हुआ क्या पता नहीं चला? अरे भाई इसने इसको सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करना मतलब ये यहाँ पे एंटर हुआ और ये यहाँ से निकल गया एक्स माइनस के तौर पे। समझे बात? यस और नो? यस सर। ओके, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर दिया तो यहाँ पे एक्स माइनस है और सामने वो कौन है? सी एन यू है। यस और नो? हाय ना। यस। तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया हैलाइड को। ओके, और यहाँ पे होता क्या एग्जैक्टली? यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं तो यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइज ही है। यहाँ पे कोई हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आता नहीं है, हाँ ना। और दूसरी बात कि ये क्यों पार्शियली पॉजिटिव होते हैं बताओ? अगर इसको लिखते हैं कैसे है? चलो SN रिएक्शन, इन SN रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल विल अटैक on the alkyl halide. Here in alkyl halide CX bond is a polar and that carbon has a partial positively charge. So nucleophile will attack on the partially positively charged carbon and halogen will be removed. Here your nucleophile will substitute halogen and that's why this reaction is known as a nucleophilic substitution reaction. Now is it clear? Yes sir. Okay. अगर मैं आपको बात बताऊं कि ये न्यूक्लियोफाइल कौन हो सकता है, अगर आप सोचो अगर OH माइनस है और उसने इसके ऊपर अटैक करवा दिया कार्बन 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 और X के ऊपर, आपको यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी बताओ? आपको यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी बताओ? आपको कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी बताओ फटाफट से? अल्कोहल। अल्कोहल मिलेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह OH माइनस नहीं रख रहे हो और अगर आप न्यूक्लियोफाइल की तरह H2O रखते हो फिर भी आपको सेम प्रोडक्ट अल्कोहल ही मिलेगी। अगर आप ओ आर माइनस रखते हो इथोक्साइड आयन ओ आर माइनस, तो आप समझो कि अभी ओ आर किसको रिप्लेस करेगा बताओ? ये ओ आर किसको रिप्लेस करेगा? एक्स। एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इस एक्स को निकाल के वहां क्या लिख दूंगा? ओ आर। तो ये क्या हो गया आपका? इथर पोर्शन हो गया। कौन सा हो गया? इथर पोर्शन, है ना। फिर अगर आप यहाँ पे आई माइनस रखो, आई माइनस अटैक करेगा तो यहां से x निकल के क्या बन जाएगा यहाँ पे बताओ? i बन जाएगा। अरे बुरी बात सुन में, यस और नो? यस सर। अगर आपको अमाइन बनाना है, अमाइन अच्छे से समझना, बहुत बढ़िया सा पॉइंट है। आप एक काम करो अमोनिया ले लो और उसकी रिएक्शन आप किसके साथ करो? हैलाइड के साथ। क्या होगा? तो यहां से जो है वो x निकल जाएगा और यहाँ पे NH2 आ जाएगा प्लस HX आपको निकल जाएगा। ओके, है ना। अगर आप
प्राइमरी अमाइन ले रहे हो तब क्या होगा यहाँ पे, तब ये हेलोजन निकल जाएगा और हेलोजन की जगह क्या आ जाएगा पता है? अभी इस हेलोजन की जगह क्या आने वाला है वो सोचो, NHR और प्लस HX। अगर आप टर्शियरी मतलब सेकेंडरी अमाइन ले रहे हो यहाँ पे, तो एक एच जो है एक्स की जगह आप क्या आ जाएगा, आर बॉन्ड एन बॉन्ड आर बॉन्ड क्या आएगा बताओ, सी ऐसे। तो ये टर्शियरी अमाइन है, ये टर्शियरी अमाइन है। अब थोड़ा सा सोचो, ये सेकेंडरी अमाइन है, अरे प्राइमरी अमाइन क्या ना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी में डिफरेंस क्या है वो बताओ। प्राइमरी अमाइन में जो एन नाइट्रोजन है उसके साथ दो हाइड्रोजन है होंगे, सेकेंडरी में एक हाइड्रोजन होगा एंड टर्शियरी में एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। यस वेरी गुड गुड, चलो हो गया, ये लिख लिया आपने इतना। टेक्स्ट बुक के टेक्स्ट बुक पे मत रहना, यहाँ पे जो लिखा हो अच्छे से लिखना। अगर आप KCN यूज कर रहे हो KCN और प्लस यहाँ पे अगर X, तब क्या होगा पता है? यहाँ पे दोनों अटैक कर सकते हैं, कार्बन भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है, क्योंकि साइनाइड के पास जो है वो दो मतलब लाइक इट्स अ बाइडेंडर, हमें पता ही है, या कार्बन भी एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है और नाइट्रोजन भी एक्ट कर सकता है। लेकिन जब KCN यूज करते हैं तो KCN इज अ हाईली क्या है भाई, KCN क्या रहता है देखो, ये आपका 10 पॉइंट एग्जाम्पल नंबर 10.5 भी यहीं पे कवर करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 10.5 भी यहीं पे कवर होगा, सो डोंट वरी। देखो अगर ये हम लोग पानी में डालेंगे तो K प्लस CN माइनस आएगा और प्लस क्या हो जाएगा, X पे अटैक करेगा, तब आपका जो है यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा साइनाइड बनेगा। Are you getting my point? Yes or no? तो यहाँ पे क्या बनाने वाला है, साइनाइड बनाने वाला है, ओके? लेकिन जब AgCN की बात करें, जब मैं AgCN के साथ रिएक्शन करवाऊ तो मैं आपको एक बात बताऊ, ये बॉन्ड इजिली ब्रेक नहीं होगा, इट्स अ कोवेलेंट बॉन्ड, KCN इज आयोनिक इन नेचर, K प्लस CN माइनस क्रिएट करता है, लेकिन ये वाला जो है वो नहीं करेगा। तब क्या होगा आपको पता है, यहाँ पे जो है वो अटैक कौन करेगा, अभी सी तो नहीं कर सकता क्योंकि AG के साथ जुड़ा हुआ है, अभी AgCN में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, KCN में आयोनिक बॉन्ड होता है, तो जब KCN को पानी में डालते हो तब वो CN माइनस जनरेट कर लेता है, अब वो CN माइनस अटैक करेगा तो आपको साइनाइड मिलेगा। लेकिन जब आप किसकी बात कर रहे हो बच्चों, AgCN की बात करो, तब AG यहीं पे रहने वाला है, अभी CN है तो N कहां पे अटैक करेगा वो बताओ, अब ये कार्बन पे अटैक करेगा और यहां से ये निकल जाएगा, अब आपका जो है वो क्या बनने वाला है, यहाँ पे आपका ऐसा बनेगा पहले N ट्रिपल बॉन्ड CAG और फिर ये यहां से निकल जाएगा AG, तो आपको कौन सी प्रोडक्ट मिली मुझे बताओ, चलो आपको कौन सी प्रोडक्ट मिली वो बताओ, N प्लस C माइनस, इसको बोलते हैं आइसोनाइट्राइल, इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, आइसोनाइट्राइल और आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड बोलो इसको तभी चलेगा। चलो इज इट क्लियर, इसमें कोई डाउट अभी बच्चों? क्लियर सर, पक्का वाला क्लियर है ये? यस सर। तो यहाँ पे क्या था, KCN है तब क्या मिलेगी आपको प्रोडक्ट, साइनाइड, और AgCN में आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगी, आइसोनाइट्राइल, मोस्ट टाइम भी लिखो एग्जांपल 10.5। चलो लिख लिया, ऐसा एक और पॉइंट याद रखना है आपको, अब ऐसे एक और पॉइंट याद रखना है, अब बात बनती है KNO2 एंड AgNO2 की, KNO2 और दूसरा कौन आएगा बताओ, AgNO2, KNO2 में से इजिल क्या मिल जाएगा आपको, K प्लस और ONO माइनस, आया ना, ये आयोनिक होगा, तब क्या होगा, अगर ये है X है और अगर आप यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हो
ओ डबल बॉन्ड एन ओ माइनस की करवा रहे हो, तभी ओ माइनस कहां पे अटैक करेगा? अभी कार्बन पे अटैक करेगा, है ना? तब क्या होगा? प्लस क्या आ जाएगा बताओ? एक्स माइनस. इज इट क्लियर? यस सर. आगे इतनी बात समझ में आपको आया ना? यस सर. अब आप थोड़ा सा और सोचो कि अगर मैं AgNO2 रखता तब क्या होता पता है आपको? Ag ऑक्सीजन को रिलीव नहीं करने देता, उसको जोड़ के रखता है. सो एट दैट टाइम क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे X लग रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तब ये नाइट्रोजन जो है वो कहाँ पे अटैक करेगा बताओ? ये नाइट्रोजन इस कार्बन पे अटैक करेगा. एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन? यहाँ पे कार्बन है, ये है, ये है और N. फिर क्या आएगा? N डबल बॉन्ड और O आएगा. सो ये कौन सा बना बताओ आपका? आपका ये कौन सा हुआ? नाइट्रो कंपाउंड्स हुए, है ना? ये नाइट्रो अल्केन्स हुए. और ये कंपाउंड कौन से होंगे आपको बताओ? ये कंपाउंड कौन से हो गए आपके? अल्काइल नाइट्राइट. ये नाइट्राइट है और ये नाइट्रो है. अल्काइल नाइट्राइट. समझ रहे हो बाद में क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर KNO2 है तो आपको ONO मिलेगा. अगर आप KNO2 यूज करो तो आपको ONO मिलेगा, लेकिन अगर आप AgNO2 यूज करो तो आपको नाइट्रो मिलेगा. चलो डन. और इसमें कोई डाउट है तो आप बोल दो. डन. आगे बढ़े. यस सर. यस सर. ओके. अगर आप ये डालो R बॉन्ड C डबल O माइनस ले रहे हो, ओके, और आप इसका अटैक किसके ऊपर करवाओगे? अभी X के ऊपर. कौन जुड़ जाएगा यहाँ पे बताओ? R C डबल O R है. ये ऑक्सीजन सीधा यहाँ पे अटैक करेगा, ये हैलोजन यहाँ से निकल जाएगा. तो सब्स्टिट्यूशन के तौर पे आपको क्या मिलेगा? R C डबल बॉन्ड O सी एक्स, ऐसे है ना? समझे बात? ओके. नेक्स्ट वन की बात करें तो फिर कौन है? अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, उनमें से H माइनस जो है इट्स अ न्यूक्लियोफाइल. H माइनस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. तो H माइनस क्या करेगा मैं बताता हूँ आपको. H अगर ये आ गया H माइनस यहाँ पे, तो आपको अल्केन मिल जाएगा सीधा. प्लस एक्स माइनस, प्लस एक्स माइनस. और अगर एक है अल्केन कैसे आएगा? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं. आर एम है और प्लस कौन है? सी ट्रिपल बॉन्ड एक्स है. अब आप सोचो क्या आएगा एग्जैक्टली? आर डैश और एम है. R M प्लस होता है, R माइनस होता है. तो ये माइनस वाला पोर्शन यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा. तो कैसे आएगा? R यहाँ पे रख देता हूँ, R डैश वाला, और प्लस क्या आ जाएगा? X माइनस. तो ये हो गया आपका अल्केन. ये भी आपका अल्केन हो जाएगा और ये आपका एस्टर हो जाएगा. सो मतलब सब्स्टिट्यूशन क्या होता है वो आपको समझ में आनी चाहिए. बात सब्स्टिट्यूशन में ये चीज होती है, सब्स्टिट्यूशन में ये चीज होती है कि वहां पे एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर, और दूसरा जो है उसको लीव करेगा. तो हमने टोटल कितने देखे, हम कितने कितने अटैक करवा सकते हैं? यहां पे हमने खास देखा सी एन माइनस, के प्लस सी एन माइनस और ए जी एन सी. इसमें आप ये चीज याद रखोगे कि साइनाइड जो है इट्स एम्बीडेंडेड. याद करो एम्बीडेंडेड है मीन्स इट हैज अ टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर. कार्बन भी एज ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है और नाइट्रोजन भी एज ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है. अगर कार्बन अटैच होगा तो साइनाइड मिलेगा, और अगर नाइट्रोजन अटैच हुआ तो क्या मिलेगा बताओ? आइसोसाइनाइड. आइसोसाइनाइड मिलेगा. उसी तरह एक है ओ एनओ है, ओ एनओ माइनस है और एनओ टू माइनस है. मीन्स अगर ऑक्सीजन एड हुआ तो आपको आर ओ एनओ टू मिलेगा, आर एनओ मिलेगा,
और अगर ये हुआ तो RNO2, तो अगर आई एन को अटैक करवाना है तो आपको AgNO2 यूज करना पड़ेगा, और अगर आपको KNO2 यूज करोगे KONO तो आपको RONO मिलेगा। तो KNO2 यूज करोगे तो क्या मिलेगा बताओ? अब दिमाग में बिठा दो एक चीज, दिमाग में एक चीज बिठा दो, अगर आप KNO2 यूज करो तो आपको क्या मिलने वाला है? RONO। और अगर आप AgNO2 यूज करने वाले हो तो आपको क्या मिलने वाला है बताओ? RNO2। फिर अगर मैं बात करूं तो के, फिर किसकी बात करें? के सी एन की बात करें, तब यहाँ पे क्या आएगा बताओ? के सी एन की बात करें तो आर सी एन मिलेगा, और अगर आप ए जी सी एन यूज कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? तब नाइट्रोजन अटैच होगा, RN+CCC- मिलेगा। मोस्ट टाइम पे और नोट डाउन कर लो इस चीज को, और यहाँ पे जो सी एन माइनस है इट हैज अ टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, और ओ एन ओ माइनस है उसके पास भी दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। ओके यस और नो? यस सर। अब हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म SN1 और SN2, किस तरह से रिएक्शन होती है, हैलोजन क्यों निकलता है, कौन मजबूर करता है हैलोजन को निकलने के लिए, और कितने स्टेप में रिएक्शन होगी, अपना जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वी आर गोइंग टू क्लासिफाई इट इन अ टू पोर्शन, SN1 एंड SN2। ओके इज इट क्लियर? यस और नो? यस यस। ओके तो यहां तक जो है वो मैं रखता हूँ, ठीक है? कल से हम लोग SN1 और SN2 रखेंगे। कल जो है दो दिन, अब मैं